गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी और किसी भी तरीके से आपको स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम्स या रुकावट का आपको नहीं महसूस हो रहा होगा। स्टूडेंट, जैसे कि बात करें, हमने अभी तक काफ़ी 2-3 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं और अभी रिसेंटली आपका चैप्टर नंबर 3 चालू ही हुआ था। इसके 2 पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आपको बताया था, हम फाइबर्स की चर्चा कर रहे थे और फाइबर्स में सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में जान रहे थे कि सिंथेटिक फाइबर्स ऐसे जैसे जो फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं, ये हमने जाना था। नेचुरल फाइबर्स की बात करें तो हमने क्लास 6-7 में पढ़ लिया है जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे कि सिल्क, वूल, वुलन क्लॉथ है, जो ऊनी कपड़े होते हैं, कॉटन क्लॉथ है। हम यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर्स की बात कर रहे हैं जिनको केमिकल के द्वारा फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। तो आइए इसके हम टाइप्स की बात करें कि कौन कौन से टाइप्स के सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। इसके लिए आप लोग पेज नंबर 47 निकालिएगा, चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 47। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है आप लोगों का। जो बच्चे जो आज फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं वो तो सुन लीजिएगा। चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 47, टॉपिक का नाम है टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, संश्लेषित रेशों के प्रकार। बात करते हैं इससे, सबसे पहले हम बात करेंगे रेयन की। पहला टाइप से इसका रेयन, फर्स्ट टाइप है इसका रेयन। आखिरकार है क्या एक फाइबर्स का टाइप से ये रेयन, जिसका दूसरा नाम है आर्टिफिशियल सिल्क, कृत्रिम रेशे भी बोलते हैं इसको। ओके स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं इसको, चालू करते हैं। यू हैव लर्न्ड इन क्लास 7th, जैसे कि आपने क्लास 7th में पढ़ लिया है, दैट सिल्क वाज डिस्कवर्ड इन चाइना, कि सिल्क की खोज कहाँ हुई थी? चाइना में हुई थी। एंड वाज कीप्ड ए क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर ए लॉन्ग टाइम, फैब्रिक ऑब्टेंड फ्रॉम द सिल्क वेयर वेरी कॉस्टली। और ये जो रेशा है ना, चाहे जो सिल्क का सिल्क थ्रेड है, सिल्क के धागे होते हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। सिल्क के जो कपड़े होते हैं, नेचुरल सिल्क के जो हमारे फाइबर्स होते हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव, काफ़ी महंगे होते हैं। बट इट इज़ ए ब्यूटिफुल टेक्सचर ऑफ सिल्क, फैसिनेटेड एवरीबॉडी, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लगता है इसके कपड़े, पहनने में बहुत अच्छे लगते हैं। अटेम्प्ट्स वेयर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियल, लेकिन समस्या ये है कि नेचुरल सिल्क है जो हमारे पास लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमें नेचर से मिलता है, करें क्या अब हम? तो वैज्ञानिकों ने काम किया, फैक्ट्रियों ऐसा के ऐसा ही सिल्क केमिकल पदार्थों की मदद से, केमिकल सबस्टांस की हेल्प से एक आर्टिफिशियल सिल्क तैयार किया। कृत्रिम सिल्क तैयार करने की उन्होंने कोशिश करी। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century, 19वीं शताब्दी में साइंटिस्ट वेयर सक्सेसफुल इन ऑब्टेंड ए फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू डेट ऑफ सिल्क। 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों को सफलता मिल गई क्या कृत्रिम सिल्क बनाने में। सच ए फाइबर वॉज ऑब्टेंड बाई केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। इसको कैसे तैयार किया जाता है? वुड पल्प मीन्स लकड़ी की लुगदी, मीन्स लकड़ी को बारीक पीस के उसका घोल तैयार किया जाता है इसमें। दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क, इसे हम कृत्रिम रेशम या रेयन भी कहते हैं। कैसे तैयार किया जाता है अंडरलाइन करिएगा, वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट, लकड़ी की लुगदी के रासायनिक ट्रीटमेंट के द्वारा इसको तैयार किया जाता है और इससे प्राप्त रेशे ही संश्लेषित सिल्क या रेयन कहलाते हैं। द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेयन इज प्योर कॉटन वुड सेल्यूलोज। इसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल, कच्चे पदार्थ काम में लिए जाते हैं? कॉटन या लकड़ी, वुड सेल्यूलोज लकड़ी काम में लिया जाता है। रेयन इज समटाइम्स कॉल्ड रीजनरेटेड फाइबर बिकॉज इट इज प्रोड्यूस बाय मॉडिफाइंग बाय द नेचुरल फाइबर। रेयन इज नॉट ट्रूली एन आर्टिफिशियल फाइबर बिकॉज इट इज वॉज रॉ मटेरियल इज ए नेचुरल फाइबर। देखो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ये नेचुरल जो फाइबर है ना, उसी से तैयार किया जाता है। इसमें कहीं ना कहीं बात हम माने तो नेचुरल चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जाता है, कि वुड लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। वो क्या है? नेचुरल चीज़ है, वो नेचुरल ऑब्टेंट है, वो पदार्थ है वो। हाउएवर फॉर ऑल पार्टिकल्स पर्पज इट इज इंक्लूड इन टू मेन मेड फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स। इस प्रकार से संश्लेषित रेशे तैयार किए जाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम कि रेयन
मैं कौन को कैसे प्रोसेस है तैयार करने की, क्या इसका मेथड है, वो सब चीज़ हम जानेंगे अब, ठीक है। तो इस सब चीज़ों के लिए अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करते हैं। फिलहाल के लिए मैंने आपको रेयॉन के डिस्क्रिप्शन बताया, रेयॉन कैसे आया, क्या होता है रेयॉन, ये सब जानने की कोशिश करी, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे की चीज़ों को जानेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।